सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। आपको वैसे पिछले पाठ तो याद होंगे, है ना? जैसा कि हमने चित्र चित्रण किया था, जिसमें बिल्ली और कुत्ते की लड़ाई हमने देखी थी, है ना। इसके बाद हमने कल हमने समानार्थी शब्द सीखे थे कुछ, और कुछ पहेलियाँ भी हमने बुक के अंदर की, तो हमने वो भी देखी थी ना। मज़ा आया होगा पहेलियों के बारे में भी पढ़ के, ठीक है। इसके अलावा हमने एक पोयम पढ़ी थी, चू चू करती आई चिड़िया, है ना। तो अब हमारा पास हमारा ये एक नया पाठ आया है, देखते हैं आखिर ये कितना मज़ेदार है। ठीक है, क्लियर है? चलो आज हम पढ़ते हैं पाठ चूल्हा। अब चूल्हा क्या होता है? ज़्यादातर आप लोग नियर बाय विलेज रहते हैं तो आपको पता होगा, ये होता है हमारा चूल्हा, ठीक है। उपले होते हैं, उपले को इंग्लिश में काउ डंग केक्स कहते हैं, जो कि गोबर और भूसा दोनों को मिक्स करके बनाए जाते हैं। ये आपका चूल्हा है, जो यहाँ पे ये इस टाइप से राउंड शेप का होता है, और अंदर से इसमें लकड़ियाँ जला के आग जलाई जाती है। ये हमारी कुछ लकड़ियाँ हैं, तो हमने ये सब देखा हुआ है। आइए रसोई घर के बारे में कुछ जानकारी पढ़ते हैं। अब हम कुछ जानकारी पढ़ेंगे रसोई घर के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके हम इसको पढ़ते हैं, ताकि आप एक एक अक्षर जो है वो समझ पाएं। ओके, चलो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, आप जो चित्र देख रहे हैं यह एक चूल्हा है। अब जो चित्र में आपको देखो मैंने बताया, डिस्क्राइब किया, और ये यहाँ पे देखा, ये फूकनी होती है जो हवा पास करने के काम आती है, जिससे कि लकड़ी जो है जलाई जाती है। यहाँ पे एक तरफ से मुंह से हवा ब्लो की जाती है, और दूसरी तरफ से हवा जो है इस आग को और ज़्यादा भड़काने में हमें हेल्प करती है, है ना। आज भी कई गांवों में रसोई गैस की जगह इस पर खाना पकाया बनाया जाता है। अब देखो, आप जैसे नियर बाय एरिया में रहते हो तो आपने देखा होगा, जैसे आप अपनी नानी के घर या दादी के घर जाते हो तो क्या होता है वहाँ पे? नानी और दादी को तो चूल्हे पे रोटी बहुत अच्छी तरह से बनानी आती है। हो सकता है आपकी भी कोई ना कोई जो मदर्स हैं उनमें से किसी न किसी को ये जो लकड़ी है, मतलब चूल्हे पे रोटी है, वो बनानी आती हो, है ना। तो बहुत ही अच्छी भी बनती है और हमें अच्छी भी लगती है ना। तो ये चीज़ होती है ना, हैरानी की बात। ये कुछ हैरानी की बात है, देखो आग जल रही होती है, बिना गैस के आपके जो लोग जानते हैं वो इसे बनाते हैं। इसे पीली मिट्टी से बनाया जाता है, इसे गोबर से लीपते हैं। अब पीली मिट्टी क्या होती है? जो चिकनी मिट्टी होती है ना, उसको कहा जाता है। ये जो चूल्हा है चिकनी मिट्टी से या पीली मिट्टी से लीप के बनाया जाता है, जिसमें कि गोबर मिक्स किया जाता है, ताकि यह मजबूत हो जाए। मजबूत का मतलब होता है कि ताकि एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। चूल्हे में सूखी लकड़ियाँ और उपले डालकर जलाए जाते हैं। अब लकड़ियाँ तो मानते हैं हमें हीट देती हैं, उपले क्यों जला डालते होंगे, है ना। जो ये काउडंग केक्स होते हैं इनको क्यों डाला जाता है, कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि उपले जब एक बार जल जाते हैं उसके बाद काफ़ी देर तक ये हीट देते हैं, ठीक है। जैसे कि जो लोग हुक्का पीते हैं गाँव के टाइम में, एक तरह से वो स्मोक ही होता है, सिगरेट की तरह ही होता है, उसमें भी ये उपले ही डाले जाते हैं, जो कि काफ़ी देर तक गर्म रहते हैं। इनसे निकली आग की सहायता से खाना पकता है। बीच बीच में फूकनी से हवा फूकी जाती है, ताकि आग ना बुझे, ठीक है। ताकि आग ना बुझे, इसके लिए उस फूकनी से क्या दी जाती है? बार बार हवा दी जाती है। देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे चीज़ें, उपले हैं, चूल्हा है, लकड़ियाँ हैं और फूकनी है। ये सब चीज़ें आपके लिए कॉमन होगी जो नियर बाय एरियाज रहते हैं ना। तो फिर आपको क्या लगता है किस चीज़ से चूल्हा मजबूत बनाया जाता है? पीली मिट्टी और गोबर से इसे लीप कर इसे मजबूत बनाया जाता है। क्या ये मिट्टी का ही बनता है? नहीं बेटा, सबसे पहले इसके चारों तरफ ना ये ईंटें लगाई जाती हैं, ठीक है। ईंटों का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और उसके ऊपर ये जो पीली मिट्टी है और गोबर है उसका मिक्सचर बना दिया जाता है। पानी डाल के उसको एक मतलब सेमी सॉलिड टाइप में बनाया जाता है, और उससे लीपा जाता है ये सारी चीज़ें,
ठीक है, ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद वो सूख जाता है, एक दो दिन उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब वो सूख जाता है तो उसके बाद इसके ऊपर कोई भी बड़ा बर्तन रख सकते हो आप, आग जला सकते हो, उपले जला सकते हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ लकड़ियाँ ही इसके अंदर जलाओगे तो लकड़ियाँ बहुत जल्दी जल जाती हैं, ठीक है। आग तो वो देती हैं बहुत अच्छी, लेकिन जल्दी ही जल के ख़त्म भी हो जाती हैं। तो इसलिए ये उपले डाले जाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म तक जो है गर्मी बनी रहे इस चूल्हे के अंदर। और ये जो फूकनी होती है, इससे बस आग को क्या बीच बीच में फूकनी मार के आग को मतलब इसको और ग्लो किया जाता है ताकि और भड़के आग। कई बार क्या होता है, जल जल के लकड़ी में आग थोड़ी कम निकलने लग जाती है, जिस कारण से फूकनी के थ्रू से आग को और भड़काया जाता है। अब आप देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे मिलान करना है हमें। अब फूकनी क्या होती है, देखो आपको कौन सी इसमें नज़र आ रही है, देखो ये है फूकनी, है ना। उपला क्या है, ये देखो ये है उपला, ठीक है। अब चूल्हा कहाँ है, अब चूल्हा पीली मिट्टी और लकड़ी, ये आपको खुद ढूंढना है। देखो दो तो चीज़ें मैंने ढूंढ ली है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है इसमें अब आपको ढूंढनी है, क्लियर है। चलो अब हम ये वाला पार्ट करेंगे, देखो इसको भी हम धीरे धीरे हम करते हैं और समझते हैं आखिर ये है क्या, ठीक है। सही उत्तर पर टिक का सही का निशान लगाएं, जैसे कि सही का निशान लगाना। पढ़ा गया पाठ मुख्य रूप से किस बारे में है, रसोई गैस के बारे में, मिट्टी के बारे में, चूल्हा के बारे में, उपला के बारे में, बताओ किसके बारे में है ये। ये बेसिकली चूल्हे के बारे में हमें बताया गया है ना, तो ये क्योंकि तो आज भी चूल्हा जो है वो यूज़ किया जाता है। अब ये देखो सेकंड वाला जो है हमारा, चूल्हे को गोबर से क्यों लीपा जाता है, मजबूत बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, बदबू ना आने के लिए, या चूल्हे को सुखाने के लिए। अब गोबर और जो पीली मिट्टी से लीपा जा रहा था वो क्यों मजबूत, उसे मजबूत बनाने के लिए लीपा जा रहा था ना, बता भी रहे थे। देखो हमने जो हमने पहले ये पढ़ा था इसमें भी ये चीज़ बताई हुई है, देखो ताकि ये मजबूत हो जाए, है ना, मजबूत हो जाए, इसीलिए ये चीज़ बताई गई है जो कि आपने देखी है, है ना। तो अब अगला है, आग जलाए रखने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। अब बताओ आग जलाए रखने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, उपला, पंखा, फूकनी या लकड़ियाँ, सोचो क्या होगा, फूकनी या उपला। चलो हम एक और बार मैं आपको दिखाती हूँ, देखो आग जलाए रखने के लिए फूकनी का उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये देखो लिखा भी हुआ है, एक मिनट मैं ज़रा ये ऊपर कर देती हूँ। हाँ अब देखो, बीच बीच में फूकनी से हवा फूकी जाती है ताकि आग ना बुझे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि हम फूकनी का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हम अपने वापस उसी पेज पे चलते हैं, देखो ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। अब तीनों क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। रसोई गैस में मुख्य रूप से चूल्हे के बारे में है, ये वाला पार्ट हमने टिक किया था, मजबूत बनाने के लिए था और किसके लिए, फूकनी के लिए। अब आपको एक काम करना है, आपका होमवर्क क्या है कि आप अपने घर की रसोई के संबंध में कोई चित्र अपनी कॉपी में बनाएं और उसके बारे में लिखिए। अब आपको अपनी आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप अपनी जो कॉपी है हिंदी की, आप उसे ओपन कीजिए, उसमें अपनी रसोई गैस जो है, आपका रसोई घर है, रसोई घर में से कोई भी एक चीज़ बना सकते हैं, जैसे कढ़ाई हो गई, कुकर हो गया, गैस हो गया, कोई भी चीज़ बनाइए और उसके बारे में आपको 5 लाइन्स या 4 लाइन्स लिखनी है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कुकर के बारे में यूज़ कर रहे हो तो कुकर के बारे में आप लिख सकते हो कि यह खाना बनाने के काम आता है, चावल बनाने के काम आता है, ये झटपट बना देता है, इसमें गैस कम लगती है। आपने देखा होगा जो हम खुली सब्जियां बनाते हैं कढ़ाई में, उसमें ज़्यादा समय लगता है, कुकर में तो 1 या 2 सीटी आई और बन गया खाना, है ना। तो वो चीज़ होती है, तो इस टाइप से ये एल्यूमिनियम का होता है ना। तो ये सब चीज़ें आप इनसे मेंशन कर सकते हो, जैसे कढ़ाई है तो लिख सकते हो कढ़ाई तलने के काम आती है, पूरियां बनती हैं,
हम इसमें सब्ज़ी बना सकते हैं, और अगर बिना ढक्के बनाते हैं तो ज़्यादा गैस लगती है, ढक के बनाते हैं तो हमें क्या कम गैस लगती है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें आप 4 या 5 लाइनें उस चीज़ के बारे में लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।